तो बॉयकॉट चाइना कैंपेन काफी चर्चा में है। आज वही शेयर करने वाला हूं आपसे। हर आदमी अपनी अपनी राय रख रहा है इसमें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदी चीनी भाई का नारा देने वाले चाइना ने 1962 युद्ध को अंजाम दिया। इस युद्ध में शहीद हुए हमारे जवानों को मैं शत शत नमन करता हूं, और जहां कहीं भी होंगे हमें देख रहे होंगे कि भारत अब उठ खड़ा हुआ है, वो भारत जिसके लिए वो शहीद हुए थे। पर क्या ये एंटी चाइना सेंटीमेंट रहने वाला है? आई एम इन डाउट। आपको याद होगा कि डोकलाम विवाद तब यूं ही हुआ था और वहां पे बॉयकॉट चाइना सेंटीमेंट जगे थे। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट दिस इज अ ट्रूथ। चीजें नॉर्मल होगी और ये बॉयकॉट चाइना भी फिर से ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। बट व्हाई? क्यों हर बार ऐसे हो रहा है? हमारे मन में बॉयकॉट चाइना तो आता है पर फिर भी हम नहीं कर पाते। यस, व्हाई? इसका जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी हो पाया। जैसे ही मैंने जवाब अपने पास ढूंढना शुरू किया तो मैंने पाया जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ वो भी मेड इन चाइना है। और स्ट्रेंज, मैंने ये पेन जापान से खरीदा था। तो सोचिए चाइना में ग्लोबली अपना मार्केट कितना बड़ा बनाया हुआ, कितना एक्सपेंड किया हुआ। यस, दैट इज ट्रूथ। चाइना कॉन्ट्रीब्यूट टू 18% ऑफ इंडिया इम्पोर्ट। सब कुछ तो हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। एप्रिल्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, व्हीकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, टॉयज, पेपर, प्लास्टिक, ऑटो प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट एंड मैनी मोर। यस, दिस इज ट्रूथ। आखिर कैसे कर पाया ये चाइना? इससे पहले हमें उनका इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, उनका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। आइए बात करते हैं उनके इकोसिस्टम की। इसके लिए हमें चाइना के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर वो कैसे बना पा रहे हैं इतने सस्ते प्रोडक्ट और इतने कम समय में? जस्ट बिकॉज ऑफ चीप लेबर कॉस्ट, इफेक्टिव लॉजिस्टिक, इजी टैक्सेशन, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक अगर कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है तो उसकी एक जोन डिसाइडेड है, वहाँ पे टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री मेकर्स वहीं पर उस जोन में अवेलेबल हैं। जैसे लार्ज, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज उसी प्रीमिसेस में, उसी जोन में अवेलेबल हैं। तो इससे क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट सस्ता हो पाया, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट ना के बराबर हो जाती है, मैन पावर कॉस्ट भी कम हो जाती है और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसका सीधे सीधे जो लीड टाइम पर और प्रोडक्ट के चीप होने पर पड़ता है। दूसरा इसका कारण है हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। अब समझ लीजिए मैं ए कंपनी हूँ और एक प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, उसका जो डिज़ाइन है वो मेरा पेटेंटेड है, उसका जो कॉपीराइट है वो मेरे पास है। अब बी सी डी कंपनी जो कि एक ब्रांड है उस प्रोडक्ट को अपने नाम से लॉन्च करना चाहते हैं, वो ए कंपनी को ऑर्डर करते हैं, अपने नाम का लोगो लगाते हैं और उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। इसका जीता जाता है एग्जांपल एलईडी बल्ब्स, आरओ सिस्टम और ऐसी कई सारी चीज़ें। इस वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने के कारण इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होती हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होने के कारण प्रोडक्ट चीप हो जाता है। मोर प्रोडक्शन लेस इनडायरेक्ट कॉस्ट, मोर प्रोडक्शन चीपर प्रोडक्ट। यह हर कंपनी अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को बचाती है। जैसे कि ए कंपनी अगर डिज़ाइन करती है तो वो सिर्फ डिज़ाइन करती है, इसके अलावा वो कोई और प्रोडक्ट पे काम नहीं करते। बी कंपनी अगर कैड मॉडलिंग करती है तो वो कैड मॉडल ही बना रहे हैं। सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही करेगी, इसके अलावा वो किसी इनडायरेक्ट कॉस्ट में इन्वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, मैन पावर कम होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होती है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है, इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। अब सवाल वही है, कैसे चाइना प्रोडक्ट का बॉयकॉट होगा? हर इंडियन यही सोच रहा है। बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, ये डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं।
सबसे पहले हमें अपने मेड इन इंडिया यानी मेड इन भारत प्रोडक्ट को ढूंढना होगा और उन्हीं को खरीदना होगा। महंगे तो होंगे, फिर भी हमें ये करना होगा। पर क्या ये सब लोग कर पाएंगे? है ना मुश्किल? यस, दिस इज डिफिकल्ट। जब बात महंगे और सस्ते की आती है तो लोग फिर सस्ते की तरफ जाने लगते हैं। और सस्ता क्या है? चाइना प्रोडक्ट। व्हाट टू डू नाउ? क्या करना होगा हमें? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, या तो भारत सस्ते प्रोडक्ट बनाए या फिर चाइना महंगे। अब आप कहेंगे क्या बकवास है, कुछ साल जब तक भारत के बने हुए प्रोडक्ट सस्ते नहीं होते तब तक अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें तो चाइना के प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, बट इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। इस दौरान गवर्नमेंट को भारत की इंडस्ट्रीज़ का एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा, MSME को सपोर्ट करना होगा, उनके लिए पैकेजेस देने होंगे, उनके लिए नए घोषणाएं करनी बहुत ज़रूरी है उनको बढ़ाने के लिए। और जब इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्सेस सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट्स खुद पे खुद सस्ते होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ किन को मिलके काम करना है? गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, बायर्स। तो यहाँ पे तीनों मिलके क्या हुआ? एक भारत। एक भारत अगर यूनाइट हो जाएगा तो चाइना का प्रोडक्ट अपने आप बॉयकॉट होना शुरू हो जाएगा। जब तक हर इंसान वोकल फॉर लोकल नहीं होगा तब तक चाइना हमारे बॉर्डर में घुसता रहेगा। क्यों उसकी आर्मी जो हर बार बॉर्डर में हमारे घुसपैठ करती है, जा रही है, वो इतनी पावरफुल कैसे हो रही है? वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के खरीदे हुए सामान से जो पैसा हम प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, जो खरीदते हैं, वो चाइना जाके उनकी आर्मी पर बहुत बड़ा बजट खर्च होता है, जिसका एग्जाम्पल है इस तरीके के बॉर्डर पे चाइना घुसपैठ करता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना होगा, अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, और हम इंडिविजुअल इंसान को एज अ बायर अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को, अपने भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदना होगा। बस इस बार बॉयकॉट चाइना का नारा बुलंद करना है हमें। जैसे कि सोनम वांगचुक सर ने कहा, हम भारतवासी वो चाइना और चाइना के लोगों से कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ का जो तंत्र है यानी सरकार है और उसकी नीतियों से हमें दिक्कत है। वो जो हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, बॉर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, वो हम नहीं चाहते। तो भाइयों, हमें वोकल फॉर लोकल करना है, अपने ही बने हुए प्रोडक्ट्स, अपने भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदना है। और जैसा कि सोनम वांगचुक सर ने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि ये एकदम से नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम लगेगा, बट शुरुआत हमें अभी से करनी होगी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हम अभी कर सकते हैं और हार्डवेयर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके लिए हमें इन नीतियों पर चलना होगा जो इस वीडियो में मैंने आज शेयर की। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और ऐसी जागरूकता बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।